हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है लिव विथ लिव चैनल में फ्रेंड्स आज हम एक नए टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम है फिंगरप्रिंट उसको हम डाइटेलोग्राफी भी कहते हैं ये एफ एम टी के सिलेबस में आता है क्वेश्चन और ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी सो फ्रेंड्स वॉट इज फिंगर प्रिंट्स और फिंगर प्रिंट्स मीन्स एन इम्प्रेशन मेड बाय द बॉल ऑफ फिंगर जो हमारा ये जो बॉल ऑफ फिंगर रहता है उसका जो इम्प्रेशन रहता है सो इम्प्रेशन मेड बाय द बॉल ऑफ फिंगर इसको हम फिंगर प्रिंट्स कहते हैं देन इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट स्किन ऑफ बॉल ऑफ फिंगर एंड थम इज कवर्ड विथ रिजेस ग्रूवस एंड द पैटर्न ऑफ विच वैर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड मेक अ एप्सोलट आइडेंटिफिकेशन ये हमारे को आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है इम्पॉर्टेंट क्या है इसके दे प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड बोथ इपीडर्मिस एंड डर्मिस जो फिंगरप्रिंट्स है वो बर्थ से रहते हैं देन दे रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है ये कभी बदलता नहीं है और दे फॉर्म पैटर्न दैट आर एप्सोलूट इंडिविजुअल और ये ऐसा पैटर्न फॉर्म करता है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग रहता है सो so, फिंगरप्रिंट में फोर टाइप होते हैं लूप्स ये पहला है वो सेवेंटी परसेंट लोगों में होता है रोल्स ये ट्वेंटी परसेंट लोगों में आर्चेस इन टेन so, परसेंट सो इस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है सो so, एडवांटेज ऑफ डेक्टेलोग्राफी मीन फिंगरप्रिंट्स के फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज एप्लीकेबल फॉर द पर्सन ऑफ ऑल एज ये ऑल एज के पर्सन के लिए एप्लीकेबल है देन प्रिंट कैन ऑफ्टन बी ऑप्टेंट इवन फ्रॉम द प्यूटिफाइड बॉडीज जो बरेड की हुई बॉडीज है उन में भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं देन एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल फोर्थ इज नो स्पेशल ट्रेनिंग एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट आर नेसेसरी फॉर दैट देन फिफ्थ सिस्टम सिस्टिंग टू ईजी क्लासिफिकेशन एक्चुअल प्रिंट ऑलवेज अवेलेबल टू चेक एनी सस्पेक्टेड एरर एक्चुअल प्रिंट ऑलवेज अवेलेबल होती है एनी एरर है क्या देखने के लिए और सेवन प्रिंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी ये प्रिंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं देन रीज इंप्रेशन ड्यू टू मॉइस्रिंग ऑफ स्किन एंड स्वेट ऑफ सीबम फ्रॉम स्किन ग्लैंड मतलब ये जो रिजेस रहते हैं मतलब ये जो फिंगरप्रिंट देख रहे हैं इसमें जो रीजेस हमको दिख रहे हैं वो किसके वजह से रहते हैं बिकॉज ऑफ द स्वेट और सीम ऑफ स्किन ग्लैंस देन एट द सीन ऑफ क्राइम दे फाउंड इन द फर्नीचर डोर नॉब्स वेरियस अदर आर्टिकल्स और वेपन्स मतलब ये जो फिंगरप्रिंट्स है हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं क्राइम के सीन पे फर्नीचर पे मिल सकते हैं डोर नॉब्स पे मिल सकते हैं अदर आर्टिकल्स पे मिल सकते हैं और वेपन्स पे भी हमको मिल सकते हैं देन फिंगर सॉइल विथ ब्लड ऑल्सो लूज एप्रोप्रिएट इम्प्रेशन मतलब अगर फिंगर है वो कटा हुआ है उसमें ब्लड लगा हुआ है तो वो भी एप्रोप्रिएट इम्प्रेशन हमको देता है देन इम्प्रेशन आर फेंट देन विजिबल बाय डस्टिंग पाउडर अगर इम्प्रेशन फेंट है तो हम डस्टिंग पाउडर को वहा लगा के हम वो उसको विजिबल कर सकते हैं देन अगर डेड बॉडी है तो फिंगरप्रिंट डन बाय सोकिंग ऑफ फिंगर इन अल्कलाइन सोल्यूशन डेड बॉडी है तो उसका जो फिंगर है वो सोक करना है अल्कलाइन सोल्यूशन में तो हम उसका फिंगरप्रिंट ले सकते हैं देन स्किन हैज़ पिल्ड ऑफ और बर्न्स देन फिंगरप्रिंट्स डन बाय हार्डन स्किन बाय फॉर्मेलिन मतलब स्किन पिल्ड हो गई है निकल गई है तो ऐसे कंडीशन में भी हम उसको हार्डन करके स्किन को फॉर्मेलिन से हम उसका फिंगरप्रिंट ले सकते हैं तो जो टाइप से उसमें फर्स्ट आता है लूप्स लूप्स ये मोर कॉमन है सेवेंटी परसेंट पीपल्स में ही रहता है इट हैज़ एटलीस्ट वन कोर एंड वन डेल्टा इट स्टार्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो गोज फ्रॉम सेम डायरेक्शन मेकिंग एन लूप मतलब जो फिंगर है उसमें इस तरह का लूप रहता है मतलब एक ही डायरेक्शन एक ही साइड से स्टार्ट हो रहा है और उसी साइड से वो एंड भी हो रहा है और इसमें डेल्टा भी रहता है वन डेल्टा वन कोर अल्नार रूप और रेडियल रूप अल्नार लुप क्यों बोल रहा है क्योंकि अल्नार बोन की तरफ और रेडियल लुप मीन्स रेडियल बोन की तरफ देन

एक डायरेक्शन से स्टार्ट होता है और दूसरे डायरेक्शन में एंड होता है तो सेंटर जो है हमको एलिवेटेड दिख रहा है सो इट हैज नो कोर और नो no डेल्टा इसमें कोर भी नहीं है और इसमें डेल्टा भी नहीं है तो ये थे थ्री टाइप्स लूप रोल्स एंड आर्चेस सो पोरोस्कॉपी एंड लोकार्ट मेथड भी इसमें आते हैं दिस इज अबाउट फिंगर प्रिंट्स और बैकटेलोग्राफी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर आप कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो चलो फ्रेंड्स थैंक यू